ब्राजीलियन यूट्यूबर्स काफी यूनिक खेलते हैं उनकी प्लेइंग स्टाइल आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे की ये कितना एक्यूरेट कितना स्मूथ और कितना समझदारी से खेल रहे हैं उनकी गेमिंग स्किल्स टॉप लेवल है और उन्हीं में से एक अपेला पातो भी है अपेला पा ब्राज़ीलियन यूट्यूबर है जो अपने गेम प्ले वीडियोस अपलोड करता है उसने एक मूवमेंट अपना इन्वेंट किया है या फिर उसने करना शुरू किया है उसने खुद ने अपने इस मूवमेंट पर एक टूटोरियल भी बनाया है और वो आपको समझना आए तो ये मैं आपको यहाँ इस वीडियो में शॉर्ट में इजीली समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा तो आइए देखते हैं कि ये क्या है कितना कितना फायदेमंद है और कैसे करते हैं ये मूवमेंट इतना तेज़ है कि अगर आपसे परफेक्टली हो गया टाइमिंग पे तो एनिमी की गोलियां रिकॉइल होना पक्का है नॉर्मली हम रन करते हैं जंप करते हैं स्क्रीन इधर उधर करते हैं और दूसरा क्या लेकिन ये मूवमेंट अलग है इसमें आपकी समझ मैटर करती है और आप कितने अच्छे से ये मूवमेंट करते हो ये मैटर करता है तो इस मूवमेंट में ऐसा है कि आपका कैरेक्टर सीट करता है तब पूरा एक साइड चुक जाता है उसका हेड तो तो इसमें क्या किया है दोनों साइड सीट और रन बटन दबा के बैठना है जिससे कि आपका कैरेक्टर तेजी से इधर से उधर मूव करे जिससे कि आपका हेड और आपका पूरा कैरेक्टर को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए ब्राज़ील के यूट्यूबर्स और टूर्नामेंट प्लेयर्स इस मोमेंट का बेहद इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपको इस मोमेंट की समझ आ गई कि कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है उसके बाद आपका गेम प्ले काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कौन से कौन से बटन स्टेप करने पड़ते हैं स्क्रीन को कैसे टर्न करना पड़ता है कौन से सिक्वेंस में बटन्स है ये सभी मैं आपको बताऊंगा पहले ये समझते हैं कि ये मूवमेंट कितना फ़ायदेमंद है और इसको कैसी सिचुएशन में करना होता है तो पहला है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस मूवमेंट को कर सकते हो कि एनिमी की गोली आपको ना लगे रिकॉल हो जाए एंड सेकंड है कि आप एनिमी को लालच दे सकते हो जो एनिमीज कवर के पीछे छिपे रहते हैं या कोई भी पर्टिकुलर एरिया में तो आप ये मोमेंट कर सकते हो और वो लालच में आके आपको मारने जाएंगे उसमें आप रिवर्स अटैक भी मार सकते हो तो इसको कब करना है तो अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाओ कि आपको इनसिक्योर फील लगे कि एनिमी कहीं से भी आपको मार सकता है तब तो आप ये मूवमेंट को करोगे तो आप थोड़ा सेफ हो जाओगे क्योंकि आप मूवमेंट में आ जाओगे तो एक टाइप से डिफेंस भी हो जाएगा ओके तो अब कब करना है और कितना फायदेमंद है ये देख लिया अब अब कैसे करना है ये भी ट्यूटोरियल में आपको समझा देता हूँ तो इस मूवमेंट को आप दो टाइप से परफॉर्म कर सकते हो एक तो विथ जॉयस्टिक और दूसरा विदाउट जॉयस्टिक हम वन बाय वन दोनों को समझते हैं पहला है विदाउट जॉयस्टिक इसमें आपको दो बटन्स की जरूरत पड़ेगी और आपकी कंफर्टेबल सेंसिटिविटी की सीट एंड रन बटन तो आपको इन दोनों बटन को कैसे सीक्वेंस में दबाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको जब ये मूवमेंट परफॉर्म करना है तो आपको नॉर्मली रन करना है पहले किसी भी पर्टिकुलर साइड और थोड़ा रन होने के बाद सीट बटन पे टैप करना है स्क्रीन को 180 डिग्री में मतलब पूरा बैक एरिया में जहाँ से रन किया था उसी एंगल में टर्न करना है और वापस से रन बटन पर दबाना है और यही प्रोसेस को करते रहना है एंड विथ जॉयस्टिक वाले में यही स्टेप्स है तो इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है तो आपको रन करना है किसी भी एरिया में सिट बटन पर टैप करके जॉयस्टिक भी आपको उसी तरफ उसी डायरेक्शन में मूव करनी है और स्क्रीन को बैक एरिया में टर्न करना है वापस और वापस सीट बटन पर टैप करके जॉयस्टिक को जिस तरफ सीट किया हो आपका कैरेक्टर का फेस जिस तरफ हो उस तरफ ड्रैग करना है और स्क्रीन को टर्न करके रन करना है और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है तो ये थे दो टेक्निक्स इस मोमेंट को करने के अभी आपको नेक्स्ट कौन से स्किल पे ट्यूटोरियल चाहिए कोई भी टेक्निक ट्यूटोरियल या टिप्स कुछ भी तो मुझे कमेंट में बता दीजिए